21वीं सदी के इस शहर का चकाचौंध देखकर आपको यह लगने लगेगा कि आप नवी मुंबई में हैं कि सिंगापुर या बैंकॉक में। जी हाँ, नवी मुंबई में आपको वह सब कुछ मिलेगा जो रंगीन जिंदगी जीने के आदी हैं। यहाँ शराब, शबाब और जुआ खेलने का शौक रखते हैं तो आपको यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध है। एक तरफ महामारी के खौफ से सरकार परेशान है, वहीं दूसरी तरफ नौकरशाह की लापरवाही का नतीजा नवी मुंबई को भुगतना पड़ सकता है। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि यह नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। पर उससे पहले यह जान ले कि महानगर पालिका के अधिकारी दुकानदार और राहगीर को पकड़कर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना ठोक दे रहे हैं, पर बड़े बड़े पब और हुक्का पार्लर में नाचे तो कोई फाइन नहीं लगेगा। ऐसा क्यों, यह सोचने का विषय है। आप देखें दुकानदार ने इस विषय पर क्या बताया। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जावेद। जावेद जी, ये बताएं कि जिस तरह से आपने मास्क लगा रखा है, तो क्या महानगर पालिका के अधिकारी आपके पास आते हैं कि आपने मास्क नहीं लगाया तो आप फाइन भरो, ऐसा इस तरह का कोई वाकया हुआ है क्या? होता है ना जी। कितना लगाना कंपलसरी किए? कंपलसरी किए हुए। अगर नहीं, अगर आपने मास्क लगाया तो कितना दंड वसूलते हैं? वो मिनिमम अभी 200 रुपये तक फाइन किए हैं। 200 रुपये फाइन किए हुए? 200 रुपये तक फाइन। तो आप लोग अभी बचे हुए कि आप लोग तक पहुँचा? हमारे इधर नहीं मारे हैं। यहाँ आजू बाजू में किसी से फाइन वसूला? आजू बाजू सामने के रोड पर मारे हैं जी, कॉर्नर की बिल्डिंग में मारे हैं जी। हमारे इधर नहीं मारे हैं, हम लोग कंपलसरी मास्क लगा के रखते हैं। ओके, तो आप मतलब ऐसे हादसे इस तरफ इस एरिया में हो चुका है? हाँ, होते हैं। वही हमने नवी मुंबई महानगर पालिका के उपायुक्त से इस विषय पर पूछे, तब उनका कहना था कि जैसे ही हमें जानकारी मिलती है हम जुर्माना लगाते हैं। आप भी सुने। मैम, देखा ये जा रहा है कि नवी मुंबई में कई ऐसे बार और पब हैं जहां पर खुलेआम शराब परोसे जा रहे हैं और युवक और युवतियां डांस कर रहे हैं वहां पर, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ हो जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि इससे महामारी का खतरा और बढ़ सकता है? क्या वजह ऐसे बारों पर अब कार्रवाई नहीं की जा रही है? कार्रवाई नहीं की जाए ये बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे कमिश्नर साहब, हमारी पूरी टीम एकदम सतर्क है। बार बार इंस्ट्रक्शन सब लोगों को सर ने दिया है, सर डेली वीसी लेते हैं और वीसी में भी बोला है कि अगर ऐसे कोई ऑब्जर्वेशन में आया कहाँ पे ये पब खुले आम डांस और ये युवक युवतियाँ शराब पी के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर ये बार के जो ओनर है उनके ऊपर भी ये गुनाह दाखिल करने के लिए सर ने सभी लोगों को सख्त सख्त सूचना दी है। अभी मैंने DCP जोन 1 जो है मेंगड़े साहब, उनके साथ भी बात किया है। ऐसी कोई जानकारी हम लोगों को वहाँ से भी मिली या और भी कोई दे सकते, मैं आपको आह्वान करती हूँ कि ऐसा कोई जानकारी अगर है तो आप हमको दीजिए, हम उनके ऊपर पूरा गुनाह दाखिल करेंगे और जो सख्त सख्त है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैम, ये बताएं कि अगर कार्रवाई में किस तरह की कार्रवाई हुई, क्या उस पर दंड वसूला जाएगा? हाँ, दंड भी बोला है सर ने, 50,000 का भी दंड बोला है, और जो बार बार नहीं सुनते तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए सर ने बोला। पर हकीकत ठीक इसके विपरीत है। अगर जुर्माना और जेल जाने का डर होता तो आज के तारीख में पब और हुक्का पार्लर में सैकड़ों की भीड़ भाड़ नहीं जुटती। नवी मुंबई के बार, पब और हुक्का पार्लर में धड़ल्ले से नाच गाना हो रहा है। वहां एक साथ एक दो नहीं, 150 से ज्यादा युवक और युवतियां नाचते नजर आ रहे हैं। यही इमारत है जिसका नाम है 17 प्लाजा, जिसमें एक दर्जन के करीब पब और हुक्का पार्लर है, जिसका मालिक सफेदपोश समाज सेवक नेता और धन्ना सेठ है, जहां हर रोज पब में इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें 100 से ज्यादा युवक युवतियां नाचते नजर आते हैं। महामारी का इन्हें कोई खौफ नहीं। क्या इसकी जानकारी पुलिस विभाग और नवी मुंबई महानगर पालिका को है या नहीं, सोचने वाली बात है। यह नजारा आप भी देखें कि कैसे धुआं निकाला जा रहा है, वो भी हुक्का से, और किस तरह DJ के धुन पर भीड़ में सब थिरक रहे हैं। यहाँ उम्र की कोई बात नहीं, यहाँ 15-16 साल की लड़कियां भी DJ की धुन पर थिरकते मिलेंगे। आप भी देखें 21वीं सदी के रंगीन दिन और रात। आपको लगता है कि जिस तरह से महामारी के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इन सब कार्य प्रणाली पर लगाम लगने चाहिए या नहीं? जनता को मैं जिम्मेदार बोलकर सरकारी महकमा अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि हजारों जिंदगी का सवाल है, उन्हें इसी की जिम्मेदारी दी गई है जिससे वो भाग नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग महामारी के एक साल बीतने को आए हैं, और इस एक साल में लोगों की ज़िंदगी काफ़ी कठिन हो गई थी, अब जाके थोड़ी राहत मिली है, लेकिन महामारी वापस यानी कि COVID-19 फिर अपने पैर पसारने लगा है। और जिस तरह से ये पैर पसार रहा है, उसकी वजह से ये पूरे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो पूरे महाराष्ट्र में ये फैलता जा रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि अगर लोगों ने प्रिकॉशन नहीं लिया तो हो सकता है एक बार फिर से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल इस वक्त नवी मुंबई महानगर पालिका के करीब खड़ा हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि
कि नवी मुंबई महानगर पालिका स्वच्छ भारत अभियान में शामिल हो चुकी है और उनकी मंशा ये है कि कम से कम उनको नंबर पहला मिले और इसके लिए काफ़ी काम भी किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से नवी मुंबई में बार और पब प्लस क्लब ऐसे ऐसे क्लब हैं जहां पर एक साथ 600 लोग मिलकर नाच रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। अगर महानगर पालिका और पुलिस विभाग इस तरह से अनदेखा करेंगे तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से अपने जद में औरों को ले लेगा और जिसकी वजह से एक समस्या खड़ी हो जाएगी। सवाल उठता है कि आखिर महानगर पालिका के अधिकारी और पुलिस विभाग के आला अधिकारी इन सब चीज़ों को अनदेखा कैसे कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि एक साथ एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करना मना है, 100 लोग, आप सोचिए कि अगर 100 लोग एक साथ एक जगह पर नाच रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और हुड़दंग मचा रहे हैं, तो इस पर लगाम क्यों नहीं कसा जा रहा है, ये सोचने की बात है। हालांकि आप देख सकते हैं कि निश्चय केला नंबर पहला, ऐसा में हो कि आने वाले समय में जिस तरह की निश्चय की बात की जा रही है, महामारी में पहला नंबर आ जाए नवी मुंबई का। कैमरा पर्सन रोशन के साथ में गोपाल साह, GS News, नवी मुंबई।